राम राम जी सारा ना। तो भी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है, योगा करने लग गई मैं। एक्सरसाइज आज तो मैं के लिए हूँ, आज मेरी बेटी नहीं आई, आज थोड़ी सी लेट आके गुड़ी थी, तो इस मारे फिर उन्हें बोली नहीं मैं तो प्लाट में जाऊँ, लेट हो जाएंगे फिर घने, तो मैं कल थोड़ा हाथ करे आऊँ 5-4 एक्सरसाइज, नहीं तो फिर वही है छोड़े पाछ, फिर नहीं हुए शरीर माल कस्सा रहे सारे दिन और कच्ची बनी रहे अभी। तो मैं कहा मैं थोड़ा हक करके और फिर आऊँगी तेना तो हम चलो, तो वे जा लिए थे घेर में और मैं मैं थोड़ी सी करे आऊँ सारे दिन एक्सरसाइज तड़के एक्सरसाइज करे पास सारे दिन, फिर मतलब अच्छा गुजर गया है, हल्का हल्का फील हो जा भी, और नहीं तो नहीं बारी बारी है शरीर रहे पूरे दिन। तो भी एक्सरसाइज योगा की मेरी वीडियो और आगे देखियो ही वे, लेट हो रही हूँ तो गणी है मैं, एक कभी पर फिर नहीं सी नींद आँखें नहीं गुड़ती सुबह तक। तो भी डेली करूँ तो डेली की अकलिप तो लगाऊंगी आगे थोड़ी सी न्यू है, एक इसकी एक्सरसाइज योगा की तो भी नहीं है पूरी, तो कोई देखा कोई ना, फिर नहीं है थोड़ी सी जिसी भी करूँ हूँ मतलब थोड़ी थोड़ी की ला दूँ, करया तो मतलब फालतू करूँ, फिर थोड़ी सी ला दिए नॉर्म मोटी मोटी एक्सरसाइज करूँ हुए, तो वह लगा दिया करूँ क्लिप इसकी 5-4 एक्सरसाइज की, और करया तो पखत्ता करूँ ला गया करूँ, एक आधी बार लेट हो जाऊँ हूँ अभी सारे दिन, फिर शरीर ठीक रहे काम करने भी जी करे, और नहीं तो नहीं आल कसम भरया पड़े रहा, एक कई दिन तो ऐसे बिजी ही रहे 3-4 दिन तो करया ही नहीं गया, उठाया ही नहीं गया सुबह तक, फिर मखा लिया वक्त आग उगड़ जाए, एक बार तो 2:30-3 बजे से जब पुगाना वक्त हो है, फिर 4:30 चूर के फिर से मैं उठा करा, तो भाई देखते रहियो क्लिप नहीं वे आगे, तो फिर उठ कर लिया मगा घनी वक्त तो फिर नहीं हुआ, थोड़ी सी ठंड सी भी हो जाए है, तो मगा माड़ी सी टाइम पर उठना सही है, घनी वक्त तो उठे पाछ फिर एक तो नहीं है इतनी सर्दी तो कोई ना हुई है मारे काम चाल जा भैया, आगे क्लिप ना देखी हुई भी। राम राम जी सारा ने, भाणा ने, भैया ने, छोटे बड़े ने, सब ने राम राम। तो भी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खुश हो गए, और मैं भी ठीक हूँ भी, दुआ करूँ हूँ भगवान तो सारे ठीक ठाक रहियो। तो भी स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, और भैया जाओ मैं खा रही हूँ मैगी, शाम का टाइम है, किसी का जी करता होता है ये मैगी बना दी है, और साथ में चाय है बेड पे। आज खेत में नहीं गए भाई, थोड़ा काम था बाहर जा रहे हैं आज सारे, तो आ जाओ भाई खा लो किसी का जी करता हो तो मैगी, और व्लॉग में बने रहियो, देखते रहियो व्लॉग ना, सपोर्ट करते रहा करो न्यू, सारे का दिल तो धन्यवाद है गणा गणा। बनाओगे पथुए की, और ये टक्कल है, और ये सब्जी बेटे के लिए स्पेशल फरमाइश है, देखो ये बथुआ है कल खेत में तले आए थे थोड़ा सा मिल गया था, एक पालक की जुट्टी मंगा लूंगी, और भैया ढाकड़ है इतनी सारी, कल के मैं भुजी बना ली थी शाम शाम ने, बहुत स्वाद भुजी बनी थी ढाकड़ा की, तो ये देखो ढाकड़ तो होगी थी सरसम हो रही है ना, इस तरह वैसी जाम रही है, पिछले साल खंड की थी ना तो सरसम रानी, तो उसकी ढाकड़ जाम रही है सरसम, तो इसकी भुजी बहुत बढ़िया बनी थी शाम ने, कसूती बढ़िया भुजी बनी थी, सीजन की पहली भुजी थी इसकी, अरे अरे थोड़ा बथुआ था तो थोड़ा सा बथुआ, और भैया ढक्कड़, और भाई थोड़ी सी मेथी ले आऊँगी घेर मत है, और पालक, हरी सब्जी बनाऊँगी, हरे मरा दूँगी, फिर दिखाऊँगी देखियो कितनी टेस्टी लगा है,
सीजन की पहली उसकी सब्जी है बथुए की। और फिर मेरा बेटा चला जाएगा कल, तो इस मारे भी मखा फिर रखे भराई सी मिल ना मिल अपन पहले मकाड़े बना दूँ वती साई बना बना कर देंगे। ये दो तीन डाल का कलर आओ इसमें लाइट पड़ा है जब पीड़ा पीड़ा तो भैया अरे अरे डक्कड़ अरे अरे बथुआ है तो ठीक से देखते रहियो बनाऊंगी सब्जी में। अरे मैं अलन ला कर छोंक ला कर ये थोड़े से चने हैं सवेरे तोड़ के ले आई थी चटनी बनाई थी कच्चे चने तो भी साथ में ये भी घेर लेंगे जमा एक नंबर की सब्जी बनाएगी। हरी सब्जी हरा साग सब्जी के साग तो हरा साग तैयार हो जाएगा हमारा। ये चने हैं थोड़े और ले आऊँगी मेथी ले आऊँगी बथुआ और ढक्कड़ और पालक हो जाएगी तो ये बने पाचे में थोड़ा खटासा हो जाए बड़ा स्वाद लगेगा भी दिखाऊंगी रांध कर बना कर फिर देखते रहियो क्लिप ने। यो लहसुन अदरक और हरी मिर्च ये कूट दूंगी हरी साग मलन लाऊंगी देखियो तो इन्हें कूट लियो पहले मैं फिर अलन लाऊंगी। ये लस्सी है हरी बाजरे का आटा है इनका अलन लगाऊंगी मैं लस्सी घेर का बाजरे के आटे का और भी फिर हमारा साग तैयार होगा देखियो। चलो बरे क्यों नहीं भी ले भी अलन ला दिया हमने भी ये लस्सी घेर दी इसमें थोड़ी सी तो भी ये लहसुन अदरक और मिर्च कूट दिया था कुंडी में और ये इसमें मिक्स कर दूंगी पानी डाल दिया थोड़ा सा और लस्सी ये हल्दी घेर दी थोड़ी सी इसमें बड़ा कलर अच्छा आ जाएगा। चलो अरे ये नमक घेर दिया थोड़ा सा ये भी इसने मिक्स करके और एक बार रांध लूंगी इन्हें रांध कर और तेरे बाद में छोक लगेगा एक बार जो उन दिया है पानी काट दिया इसका और एक बार ये फिर रांध कर थोड़ा सा छोक लेगा ना और फिर इसको मैं छोक लग जाएगा प्याज लहसुन का जीरे अदरक का। तो भी ये हमारा साग तैयार है थोड़ा सा और घेर दी खट्टा हो जाएगा बड़ा। तो भी सीजन का पहला साग है बथुए का बताइए किस किस ने पसंद है ऊपर। तभी यह चूल्हे पर रांध लूंगी बीच ना देख पहले आ रही में रांध अरे चूल्हे में रांध फिर छोक लगा देंगे गैस पे सही हो जाएगा रंधे पास दिखाऊंगी फिर। तो भी ये हमारा साग रंध गया देखो अरे साग ये देखो चूल्हे पर हमने दूध डर दिया था तो थोड़ा हम कल गैस पर खदकी लगा दें तरिया साग भी सीजन का पहला रंध गया है अरे लगाएंगे इसमें छोक लहसुन का अदरक का हरी मिर्च का जीरे का। तो भाई एक नंबर की सब्जी बन गई है देखो कितना बढ़िया कलर है देखो जमाए तो इनकी सब्जी बन गई साग तेरी सब्जी देखा डर होता साग होया करे तो भाई छोक लगा देंगे थोड़ा खदक गया है यो और देखो अरे मैं बनाया है कि मैं चूल्हे पर रंधा है थोड़ा हाई मैं गैस पर थोड़ा कदे कच्चा रह जाए तो भाई छोक लगाऊंगे फिर छोक दिखाऊंगी फिर हमारा आ रहा साग देखियो। ये काट दिया है लहसुन ये प्याज ये टमाटर तो और हरी मिर्च और गेर दें थोड़ी सी लाल और भाई देख लगा देंगे छोक देसी घी में तो देखियो याद करना ले भी गाय का घी डाल दिया है बड़ा गर्म हो गया जीरा ये लहसुन प्याज लहसुन धनिया वो जीरा जीरा भी प्याज डाल दिए हैं ये प्याज भून गए टमाटर डाल दिए हैं। तो भैया साग हो गया तैयार हमारा छोक लगा दिया है देखो तो ये देखो भी हमारा साग हो गया तैयार रंध कर देसी घी का छोक लाया है तरी देखो बिल्कुल सादिया वाला साग होया करे नुस्खा बन रहा है।
देखो अरे अरे कलर युवराज का टाइम है दिन में तो सही कलर दिखा है युवराज ना तो शायद दिखेगा। ये थोड़ा सा और खदका लाग लेगा फिर मारिया धनिया गिर देंगे और मारा अरे साग तैयार है। आ जाओ किसी का जी करता हो तो खाने में ये थोड़ा रंधन लग गया है। भैया हरिया धनिया अपने प्लाट में तो तोड़ के लाई थी और सब साग हो गया हमारा तैयार। लेबर धनिया डाल दूँ तो भाई ये धनिया डाल दिया थोड़ा सा अपने प्लाट में हो गया है तैयार। पलक धनिया मेथी चने सारी चीज उड़े तेली आई थी वो हमारा आ रहा साग तैयार है। शेखा जी करता होता खाना ना आ सका है भाई इसमें ढक दी उसने देखो